हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है, आई एम श्योर अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन से रिलेटेड ही समझेंगे तो जीवन को आपके बदल के रख देगी। क्योंकि इसमें हमें यह सीखने को मिलेगा कि जब हम बहुत परेशान और दुखी होते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होता है और हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। जीवन बदलना है तो जीवन बदलने वाली आदतें होनी जरूरी है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो निराश और हताश महसूस कर रहा था। एक दिन उसे एक महात्मा मिला। लड़का महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो कुछ भी सोचता हूँ वही उल्टा होता है। मैं एक नौकरी करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि नौकरी मिलने पर मैं अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी खरीद कर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो मिल गई लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं गाड़ी खरीद सकूं। मैंने सोचा था कि अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे देश में घूमने ले जाऊंगा, लेकिन वो भी संभव नहीं हो रहा है। जीवन कुछ ऐसे गुजर रहा है, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। कृपया करके मुझे कुछ सलाह दीजिए। महात्मा जी ने उस लड़के को एक फूलों के बगीचे में लेकर गए जहां अनेक सुंदर फूल थे। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हें इस बगीचे से किसी एक फूल को चुनकर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगे, लेकिन यहाँ एक शर्त है, तुम्हें किसी भी फूल को तोड़कर नहीं, ऐसे नहीं करना है किसी को छोड़ दिया और फिर तोड़ दिया। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया हो तो उसे समझो कि वह तुमसे दूर चला गया। लड़का बगीचे के किनारे जाकर फूल चुनने लगा। उसके सामने बहुत सारे सुंदर फूल थे, लेकिन वह सोचता रहता है कि आखिरकार कोई और इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिल सकता है। उसने एक फूल को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हुए कहा, शायद इस सुंदर फूल से भी और सुंदर फूल हो, मैं उसे तोड़कर लाऊंगा। अब लड़के के पास कुछ ही फूल बचे थे जो सूखे हुए थे। उसने सोचा कि उसका एक ही विकल्प बचा है, वह उन सूखे फूलों में से किसी एक को तोड़ सकता है। उसने एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास में चला गया। उसने सूखे हुए फूल को दिखाया। महात्मा जी ने देखकर कहा, बगीचे में क्या सुंदर फूलों की कमी थी? बगीचे में इतने सुंदर फूल थे, तो तुमने सूखे हुए फूल क्यों तोड़े? लड़के ने उनको जवाब दिया, महात्मा जी, बगीचे में मुझे बहुत सारे सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में मैंने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। बाद में केवल सूखे हुए फूल ही बचे थे जिनमें से एक को तोड़कर मैं ला सका हूँ। महात्मा जी ने लड़के को समझाया, यह बगीचा ही तुम्हारा जीवन है, सुंदर फूल तुम्हारी खुशियां हैं, इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन तुम उन्हें तोड़कर अधिक अच्छे फूलों की चाह में हो, जिससे कि तुम अपने वर्तमान को खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को गाड़ी से खुशी नहीं मिलेगी, जो खुशी वह तुम्हारे साथ बैठकर मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताने में ही खुशी है, वो चीजें कोई और नहीं दे सकता। इसे समझो और अपने जीवन को सजाने का प्रयास करो। इसके बाद से लड़के ने अपने वर्तमान के छोटे छोटे जो पल थे उनका आनंद लेना शुरू किया। उसने समझा कि खुशी और सुख वास्तव में छोटी छोटी बातों में है। वह सूखे हुए फूल से भरपूर अपने जीवन की महत्वपूर्ण मौजूदगी को सराहने लगा। दोस्तों, क्या हमारे साथ भी यही नहीं होता है? हम हमेशा अधिक का ही सोचते हैं, जो हमारे पास में है उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। परिवार अच्छा मिल जाए तो पैसे के लिए सोचते हैं, पैसा बहुत सारा मिल जाए तो परिवार के लिए सोचते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि चलो इससे बेहतर मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या बेहतर आगे है या फिर आपके पास में जो भी है वही बेहतर है? मान के चलिए इन सब चीजों को और इस कहानी को अपने ऊपर लेकर जरूर देखिएगा। यही आपकी खुशी का मंत्र है कि हम जो भी है हमारे पास में उसी से सेटिस्फाइड रहे। तो जरूर बताइएगा मुझे कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए।